उमर रियाज तेजस्वी प्रकाश का जो एटीट्यूड प्रतीक के साथ है उसको लेकर सवाल उठा रही हैं। दरअसल घर के अंदर उमर तेजस्वी के दोस्त हैं और उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तेजस्वी जब प्रतीक उसका मजाक बनाता है, सॉरी, उसको लेकर हंसता है, उसकी बातों में इंटरप्ट करता है, चाहे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो तेजस्वी क्यों जो है प्रतीक को इतनी लिबर्टी देती है कि वो जब चाहे तेजस्वी के साथ मजाक कर जाए। उमर ने यही सवाल जो है वो उठाए तेजस्वी के सामने और कहा कि मुझे लगता है कि आपको जो है थोड़ा अपने बिहेवियर में स्टिफनेस आनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप हर बार लड़ो उससे, लेकिन जो आपके साथ इतना बोलता है उसको इतनी लिबर्टी भी मत दो कि वो जब भी आए कोई भी कमेंट पास आप पे कर जाए। आपको थोड़ा सा जो है उसको ये बताना होगा, जैसे शमिता को कोई बात पसंद नहीं आती वो कैसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर, या नेहा जो बात पसंद नहीं आती तुरंत टोक देती है, तो आप जो है प्रतीक के साथ वैसा रवैया क्यों नहीं रखती। जिस पर तेजस्वी का कहना है कि प्रतीक चाहता भी तो यही है कि मेरे पास आए और मैं उसको बोलूं और उसको वो फुटेज मिले, मैं वो अगर कर दूंगी तो वो तो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया। जिस पर राजीव भी वहां बैठा था, फिर थोड़ी देर में करण आया तो करण कहते मैं भी नहीं मानता कि तेजस्वी को लड़ना चाहिए क्योंकि प्रतीक वही तो चाहता है। उमर ने कहा कि मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रतीक जो है आपका मजाक उड़ाता है, प्रतीक आपकी बातों को बीच में बोलता है, आपको नीचा भी दिखाता है कई बार, उसके बाद जो है वो आपके पास आकर ऐसे कोई कमेंट या ऐसी लिबर्टी क्यों ले। वो मजाक जो करता है वो आपका कोई दोस्त थोड़ी ना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो स्टिफनेस क्यों नहीं है? आपको प्रतीक आपके दोस्तों की लिस्ट में नहीं आता तो उसको इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। यानी कि उमर का ये कहना है कि प्रतीक अगर आपके साथ गेम अच्छा नहीं खेल रहा तो वो मस्ती मजाक वाली लिबर्टी भी जो बोल जाता है। दरअसल आज सुबह तेजस्वी ने बोला जो गाना बजा, मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस में पहले वो गाना बजा, मेरी नींद में फिर ये बजा, तो प्रतीक बोल गया कि पता नहीं ये तो किसी और ही बिग बॉस में रहती हैं। तो उमर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस इंसिडेंट पे लड़ते, लेकिन कल मीडिया के सवालों में जो आपके अगेंस्ट आ रहे थे वो ताली बजा रहा था, हंस रहा था, बीच बीच में कमेंट कर रहा था, तो ये तो पूरी दुनिया देखेगी कि वो आपके अगेंस्ट है, तो उसके बाद आप इतने सॉफ्ट और इतने उसको इतनी लिबर्टी कैसे दे सकते हो। तो करण ने बोला उमर ये तेरी बात मैं भी मानता हूं कि उसका एटीट्यूड जो है तेजस्वी का वो लगता ही नहीं कि वो प्रतीक से कभी नाराज है, वो तुरंत फॉरगिव कर दे, इस बात पे कोई बुराई नहीं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसे स्टिफनेस रखनी चाहिए कि कोई आने से पहले आपको कुछ बोलने से पहले दो बार सोचे। और उमर यही बात जो है तेजस्वी को समझा रहे थे, जिस पे बाद में करण भी एग्री होते हुए दिखे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑब्जर्व किया वो वही था जो मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी, कि तेजस्वी और करण के अगेंस्ट सवालों में प्रतीक खुश हो रहे थे। तो यही उमर का कहना है कि वो आपके अगेंस्ट है ना, आप उसको इतनी लिबर्टी मत दो, और वो बहुत कमेंट पास कर जाता है मजाक मजाक में जो आपको नहीं सहने चाहिए। तो आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए।